नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब सुकून के साथ यात्रा कर सकेंगे। आपकी ये यात्रा सुरक्षित भी होगी और सुखद भी। वहीं जाम और प्रदूषण से मुक्त इस यात्रा के जरिए मंजिल तक जल्द पहुंचाना बोनस होगा। नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक बसें और प्रमुख शहरों में निर्माणधीन एवं प्रस्तावित मेट्रो रेल इसकी जरिया बनेंगी। इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर में मेट्रो रेल का संचालन करने के बाद अब कई और शहरों में भी योगी सरकार मेट्रो रेल चलाने की तैयारी कर रही है। जबकि जल्द ही अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं सोनभद्र भी हवाई सेवा से जुड़ेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संबंधित जिलों के हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए 1 जुलाई को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। ताज नगरी, आगरा के लोग और यहां बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटक जल्द ही मेट्रो रेल का आनंद ले सकेंगे। यहां करीब 29 किलोमीटर में 2 कॉरिडोर में मेट्रो का संचालन हो रहा है। कॉरिडोर 1 सिकंदरा से ताज ईस्ट की लंबाई 14 किलोमीटर और कॉरिडोर 2 आगरा से कैंट से कालंदी बिहार की लंबाई 15 किलोमीटर है। प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट से जाम मस्जिद 6 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक यहां के लोग और आने वाले टूरिस्ट मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। 6 महीने के अंदर गोरखपुर में मेट्रो लाइट परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना के पहले कॉरिडोर की लंबाई करीब 15 किलोमीटर होगी। ये श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ेगी। इसके निर्माण की अनुमानित लागत करीब 2630 करोड़ होगी। करीब 13 किलोमीटर लंबा दूसरा कॉरिडोर नौसर चौराहे से मेडिकल कॉलेज को जोड़ेगा। जिन बाकी शहरों में मेट्रो रेल परियोजना प्रस्तावित है उनके लिए मेट्रो लाइट मेट्रो नियो परियोजना की डीपीआर भी तैयार कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर क्रॉसिंग तक करीब 4 किलोमीटर की लंबाई में 410 करोड़ रुपए, प्रदेश के जिन 14 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं उनकी संख्या दुगनी करने और जरूरत के अनुसार जनता की सहूलियत के लिए नए रूट्स भी इनके संचालन के दायरे में लाए जाएंगे। सभी नगर निगम में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। जल्द ही अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं सोनभद्र भी हवाई सेवा से जुड़ेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चयनित संबंधित जिलों के हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए 1 जुलाई को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। आपको बता दें, खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट उन क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं जो विकास के दौर में कुछ कारणों से पीछे छूट गए हैं। श्रावस्ती, सोनभद्र और चित्रकूट तो आकांक्षात्मक जिले हैं। यहां से एयर कनेक्टिविटी होने से इन क्षेत्रों के विकास को नए पंख लगेंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।